भगवा के सम्मान में हुकारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंगी। चित्तौड़गढ़ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। जयपुर में भगवा ध्वज का अपमान करने वाले विधायक रामकेश मीणा के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने और उसके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कार्यवाही न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। जयपुर के तीर्थस्थल गलताजी के पास आमागढ़ की पहाड़ियों पर लगे भगवा ध्वज को उतार कर ध्वज को फाड़ कर भगवा ध्वज का अपमान करने वाले कांग्रेस समर्थित विधायक रामकेश मीणा के खिलाफ हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया और राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने के साथ ही उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। परिषद और बजरंगियों विधायक के विरुद्ध कार्यवाही न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। मनोज सोनी विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्थित तीर्थस्थल गलताजी की पहाड़ियों पर लगे भगवा ध्वज को गंगानगर सिटी विधायक रामकेश मीणा, जो कि कांग्रेस समर्थित विधायक है, उनकी मौजूदगी में समाज कंटकों द्वारा भगवा ध्वज को उतार कर फाड़ कर जानबूझ के केसरिया ध्वजा का अपमान किया और मुस्लिम समाज के वोट बैंक को खुश करने का प्रयास किया है। नव भारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। आंखों से पट्टी उधर, भगवा का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चक्कर वीर बजरंगे, चक्कर वीर बजरंगे, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू हित की बात न सोचे, वो सरकार निकम्मी है, वो जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और के द्वारा एक महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें हमारे गलताजी तीर्थ पर आमागढ़ किले पर जो हमारा पवित्र भगवा ध्वज लगा हुआ था उसको कांग्रेस विधायक, अब उसका नाम तो हम क्या लें, रामकेश, जो कि उसके आगे राम लगा हुआ है, फिर भी उसने इस तरह का कार्य किया है जो बहुत निंदा का कार्य है। ऐसे विधायक को तुरंत बर्खास्त कर उसको इसकी सदस्यता समाप्त कर उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए ताकि उसे दोबारा कोई इस तरह की कोई घटना न करे। हम यही मांग करने के लिए हम राज्यपाल को इस ज्ञापन देने आए हैं। महामहिम जो यही कहेंगे कि इस तरह की दोबारा घटना ना हो, हमारे भगवा ध्वज का सम्मान रहे, हिंदू इसके भगवा ध्वज के नीचे सब हिंदू एक हैं, इस तरह से कोई घटना ना, उसको विधानसभा से उसके विधायक पद को बर्खास्त करके उसको बाहर कर देना चाहिए, ये हमारी मांग। और अगर ऐसा नहीं होता, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगे और भी निर्णय लेंगे, अगर नहीं हुआ तो आगे भी और बड़ा बड़ा कार्यक्रम करके हम इसका विरोध करेंगे। या कोई मुकदमा वगैरह दर्ज कराएंगे विधायक के खिलाफ? बिल्कुल कराएंगे, अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो विधायक के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे।